मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता, सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग तो छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए, सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.